अब एटीएम से निकलेगा दूध दही। अब तक आपने एटीएम से पैसे निकलते देखा होगा, लेकिन अब आप दूध दही भी निकलते देखेंगे। जी हाँ, अब आप एटीएम में पैसे डालोगे, आपको जितना दूध दही चाहिए आपको उतना दूध दही मिल जाएगा। शिवपुरी रोड पर आजीविका मिशन के मॉल में मिल्क एटीएम लगाने जा रहा है। यहाँ एटीएम के जरिए लोगों को दूध मिलेगा। इस दुग्ध एटीएम में नापतोल की कोई समस्या नहीं होगी, जितना दूध चाहोगे उतना ही मिलेगा। आजीविका मिशन विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मिल्क पाउच वेंडिंग मशीन से दूध एटीएम की तरह मिलेगा। जैसे ही रुपए डालेंगे दूध की थैलियां निकलकर बाहर आएंगी। सबसे पहले इसे मॉल में लगाया जाएगा, बाद में शहर के अन्य स्थानों पर भी लगाया जाएगा। इस एटीएम मशीन में एक समय में 180 लीटर दूध डाला जा सकेगा। एटीएम मशीन के माध्यम से उपभोक्ता अपनी मनचाही क्वालिटी का दूध का पाउच निकाल सकेगा। मिल्क एटीएम में दूध को 4 डिग्री सेल्सियस तक रेफ्रिजरेट रखा जाता है। इससे दूध हर दम ताज़ा बना रहता है। इससे किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता। मिल्क एटीएम कामकाजी महिलाओं के अलावा उन लोगों के लिए उपयोगी होगा जो दिन में कई घंटे काम करते हैं और देर रात घर आते हैं। इस मशीन से दूध और दही के साथ ही चॉकलेट, लस्सी और कुछ शीतल पेय भी निकाला जा सकेगा। ठंड से बचना इस बार होगा महंगा, रजाई की बड़ी कीमत। बदलते मौसम ने अब लोगों को ठंड से लड़ने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। सर्दियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोग रजाई कंबलों को निकालकर धूप में सुखाने लगे हैं। वहीं बाजार में रजाई और कंबल की दुकानों पर ग्राहक पहुंचने लगे हैं। रजाई की नए सिरे से भराई का काम भी चल पड़ा है। बाजार में रजाई और गद्दे तैयार करने वाली फैक्ट्रियों में कारीगर दिन रात जुटे हैं। लोगों ने ठंड की दस्तक को देखते हुए पुरानी रजाई भी भराई तगाई के अलावा गर्म चादरें खरीदना शुरू कर दिया है। ऐसे में महंगाई ने भी अपना रंग बदल दिया है। जी हाँ, ठंड के दस्तक देते ही रुई के दाम भी इस बार बढ़ गए हैं। रुई पिछले ठंड से 100 रुपये किलो बिकी थी, वो इस बार 120 रुपये किलो के भाव से बाजार में बिक रही है। फाइबर रुई के बढ़ते दाम और बड़ी डिमांड। ठंड को दूर भगाने के लिए पहले से रजाई और गद्दे बनवाने में लगे लोग फाइबर वाली रुई की मांग कर रहे हैं। ये रुई 120 थी, लेकिन इस बार लॉकडाउन के बाद इसके दाम में इजाफा हुआ है और वो 140 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है। बैंक का कामकाज समय रहते निपटा लें, इतने दिन बंद रहेंगे बैंक। इस महीने अलग अलग राज्यों में अलग अलग तारीखों से बैंक की छुट्टियां देखने को मिल रही हैं, लेकिन इस महीने बहुत से त्योहार पड़ रहे हैं जिसके चलते बैंकों में छुट्टियां रहेंगी और कामकाज ठप रहेगा। इसलिए समय रहते बैंक का काम निपटा लें। जानिए किन किन वजह से किस दिन बैंक बंद रहेंगे। नवम्बर में इस दिन अलग अलग राज्यों में बंद रह सकते हैं बैंक। 1 नवम्बर रविवार, 8 नवम्बर रविवार, 13 नवम्बर बांग्ला महोत्सव, 14 नवम्बर दिवाली अमावस्या, 15 नवंबर गोवर्धन पूजा, 16 नवंबर भैया दूज, चित्रगुप्त जयंती, विक्रम संवत, 17 नवंबर निंगोल चकोबा, 20 नवंबर छठ पूजा, 21 नवंबर छठ पूजा, 22 नवंबर रविवार, 24 नवंबर लचित दिवस, श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहादत दिवस, 26 नवंबर मेघालय में सेंग कुट्सनेम की छुट्टी, 28 नवंबर चौथा शनिवार, 29 नवंबर रविवार, 30 नवंबर गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, रहीस पूर्णिमा। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।